हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है बच्चों के पेड़। दूर हिमालय पर्वत पर एक शहर है लेह। यह बहुत ही सुंदर शहर है। यहाँ सिंधु नदी बहती है। नदी के पास एक स्कूल है। एक दिन क्लास में सर ने बच्चों को बताया, बहुत दिन पहले लेह में पानी नहीं बरसता था। लोगों ने पेड़ लगाए और तब से कभी कभी पानी बरसने लगा। हम भी पेड़ लगाएंगे। सब बच्चों ने कहा। सर ने नर्सरी से कुछ पौधे मंगाए। उन्होंने सब बच्चों को एक एक पौधा दिया। प्रत्येक बच्चे ने अपने पौधों को जमीन में लगाया। सर ने 3 बाल्टियाँ मंगाई। उन्होंने 3 बच्चों को कहा, तुम तीनों नदी से पानी लाओ और सारे पौधों को सींच डालो। तीनों बच्चों ने सारे पौधों को पानी से सींच डाला। हर दिन वे तीनों बच्चे पौधों को पानी देते थे। पर एक दिन तीनों बच्चे हाथ में खाली बाल्टी लिए एक कोने में खड़े थे। सर जी के पूछने पर एक ने कहा, सर मुझे बुखार है। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में दर्द है। तीसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द है। सर जी सोच में पड़ गए और फिर निशु ने कहा, सर आज से हम सब अपने अपने पौधों को खुद पानी देंगे। सर जी को ये बात बहुत अच्छी लगी। अगले ही दिन बच्चों से अपने अपने पौधों को पानी देने के लिए कहा। सर जी ने पौधों पर सब बच्चों के नाम लिख दिए। बच्चे बहुत खुश हुए। अब सब बच्चे अपने अपने पौधों को रोज़ अपने आप पानी देने लगे। अब स्कूल के चारों ओर पेड़ ही पेड़ हैं और स्कूल तो सुंदर लगता ही है। साथ में लेह में हर साल पानी भी बरसता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पेड़ ही जीवन है। अपने आसपास पेड़ पौधे लगाइए और उनका ध्यान भी रखिए।